कौन है भाई गेट पे? भाई चेक कर यार, कौन आया अभी इतनी रात के अंदर? रुक जा भाई, चेक करता हूँ, कोई डिलीवरी बॉय होगा। चल भाई देखता हूँ कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे और इतनी रात में कौन आया है। ओके लेट्स चेक, देखते हैं कौन आया है। ओ अबे भाई, लियोनार मून। ओ शिट यार, ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है मून? पता नहीं गाइस, ये मून मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा है। लगता है ये मेरे को अपने अड्डे पे लेके जा रहा है। भाई मेरे को कुछ होश नहीं आ रहा है भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, पता नहीं। अबे उठ जा भाई, उठ जा, कब उठेगा यार? अबे ये देख, हमें यहाँ पर लियोनार मून ने भाई जेल के अंदर ट्रैप कर दिया है। क्या बात कर रहा है तू? अबे सच में हम लोग बंद हो चुके हैं क्या? ओ भाई यार, गाइस देखो सामने कितने सारे लियोनार मून है भाई। भाई एक से एक खतरनाक लियोनार मून हमारे सामने है, और उन सब ने मिलके हमको यहाँ बंद कर दिया जेल के अंदर। और यहाँ कितने सारे लोग मरे हुए पड़े हैं भाई, कंकाल लोगों के। कहीं हम लोग भी ऐसे ही मरने वाले हैं क्या भाई? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है इन स्कैरी मून्स को देखकर। और ये कितने ज्यादा स्कैरी हैं, और ये हमें भी मार सकते हैं यार। ओ भाई ये देख, ये जा रहे हैं यहाँ से। हाँ यार, लगता है कुछ देर के लिए लोग चले गए हैं कुछ काम से। तो भाई ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन मैं ऐसे बाहर कैसे निकलूं? भाई तुझे देखना पड़ेगा यार, तुझे कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। रुचा भाई रुचा, एक मिनट वेट कर, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा वाला आइडिया है। मैं यहाँ पे लेट के बहुत ही आराम से निकल सकता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक छेद है छोटा सा, एंड मेरे को लगता है मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन काफी मुश्किल से। ओके ओ ओ ओ ओ फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ भाई। ओके भाई तू निकल चुका है, अब तू जल्दी से मुझे भी निकाल ले यार यहाँ से। वेट कर, मैं तेरे को बाहर निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पे ताला की चाबी चाहिए मेरे को, ये रही चाबी। सो मेरे को चाबी मिल चुकी है गाइस, एंड ये चाबी मैं ले ली यहाँ से। कहीं मून तो नहीं आ रहा है अभी? शायद मून नहीं आ रहा है। एंड चाबी से हम खोलते हैं अपने दोस्त का दरवाजा, एंड ये मैंने खोल दिया है। सो बाहर निकालते हैं भाई को। ओके ब्रो बाहर निकला। चल भाई मैं बाहर आ चुका हूँ, और हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि लियोनार मून। ओ भाई अबे भाग, वो आ चुके हैं। अरे भाई तूने सही कहा था, वो कब आ जाए यार? भाई गाइस, वो लियोनार मून ने हमको देख लिया कि हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तो अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं, और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे यार? हम लोग बहुत ही गंदा फंस चुके हैं यहाँ पर, और हमें थोड़ी देर यहीं बिताना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्या करें। ओ ये ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। ओ भाई उन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, और वो सारे मून हमारे पीछे आ रहे हैं भाई। ओ बे यार अब क्या करेंगे हम लोग, हमें जल्दी से भागना पड़ेगा, और हम लोगों को रास्ता भी तो नहीं पता है। बे भाई जल्दी भाग, जल्दी भाग भाई, जल्दी भाग। ये क्या है, पार कर फटाफट भाग यहाँ से यार। ओ भाई सारे के सारे हमारे पीछे आ रहे हैं गाइस, क्या करूं मैं? ओ भाई मैं तो इनके पास में आ चुका हूँ। ओ भाई बच गया मैं तो, जल्दी भागो यहाँ से ब्रो, जल्दी भाग। कोई जगह कोई है क्या रहने के लिए कुछ देर के लिए? हाँ भाई ये रहा हमारा घर, फटाफट इस घर में घुस जा, जल्दी फटाफट घुस जा इस घर में, जल्दी इस घर में घुस भाई, जल्दी से जल्दी इस घर में। चलो बंद करो गेट को। ओके भाई अब सुकून मिला मेरे को। हाँ भाई भाई अब फाइनली हम लोग इस वाले हाउस में आके, अपने हाउस में आके बच गए। अब ऊपर चलते हैं भाई, नीचे तो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग आ सकते हैं। रुक जा भाई मैं देखता हूँ कि वो लोग हैं या गए। ओके चल देखते हैं भाई यहाँ पे हैं या फिर नहीं। अबे वो लोग यहीं पे हैं, कहीं नहीं गए भाई, और वो सारे के सारे मून हमारे गेट के बाहर खड़े हुए हैं, और पता नहीं वो इंतजार कर रहे हैं कैसे गेट खोलेगा, एंड वो अंदर आके हमको खा जाएंगे। लेकिन हमको गेट नहीं खोलना है भाई जब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं जाते। लेकिन ये लोग यहाँ से कब जाएंगे? इतनी ज़्यादा रात हो रही है और बारिश भी हो रही है, मौसम इतना डरावना है ना भाई। अब देखते हैं सुबह क्या होता है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, सो देखते हैं। अबे ये तो अभी भी नहीं गए यहाँ से यार, ये सारे मून सुबह हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं गए यार। भाई ये लोग कब जाएंगे यार? ओके ऐसा लग रहा है कि ये लोग जा रहे हैं। ओ अबे भाई सच में जा रहे हैं यार। हाँ यार ये जा रहे हैं, वो देख ये सारे मिलके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो तो सामने उस सीक्रेट केव के अंदर जा रहे हैं लगता है। हाँ वो लोग जहाँ से आए थे वो वहीं जा रहे हैं, और आई थिंक ये रात में दोबारा आने वाले हैं हमको परेशान करने के लिए। सो
हम लोग अभी तो फ्री हो चुके हैं, लेकिन हम लोग हमेशा के लिए फ्री नहीं हुए हैं भाई। सो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये लोग दोबारा हमारे पास ना आ पाए। लेकिन ऐसा हम लोग क्या करेंगे यार? भाई हम लोगों को एक खतरनाक वाला बुल्ड बनाना चाहिए जिससे कि वो लोग यहाँ पर आ ही ना पाए। सो गाइस, लूनार मून से बचने के लिए मैं यहाँ पे एक बिल्ड बनाने वाला हूँ जिसको मैं बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करने वाला हूँ। एंड मैं अपने भाई के साथ मिलके यहाँ पे इस ट्रैप को बनाने वाला हूँ ताकि मून जो है वो रात में दोबारा कभी भी वापस ना आ पाए। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये जो बिल्ड है वो रात कंप्लीट होने से पहले, यानी कि रात होने से पहले हमको ये बिल्ड बनाना है। और अगर हम लोग रात होने से पहले ये बिल्ड नहीं बना पाए तो वो मून हमको जान से मार देंगे। हाँ भाई, मुझे पता है कि वो सारे के सारे लूनार मून्स रात में हमारे घर पे आने वाले हैं। सो हम लोगों को जल्दी जल्दी और पूरे दिन में बनाना पड़ेगा ये ट्रैप, और फास्ट काम करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ भाई, ये तो मैं बोल रहा हूँ, हमको बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन रुको, उससे पहले हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिए फायर। एंड फायर को डालने के बाद यहाँ पे जैसे इसके ऊपर कोई पैर रखेगा ना, फिर यहाँ पे उसको फायर लगने वाली है। तो ये भी एक टाइप का ट्रैप है हमारा। अच्छा भाई, तुम मुझको एक बात बता, तूने आज तक जितने भी ट्रैप बनाए हैं वो सारे के सारे ट्रैप तेरे फेल गए हैं, लेकिन इस बार तू ये ट्रैप क्यों बना रहा है लूनार मून के लिए? अबे पागल गए कि अगर हम लोग ट्रैप नहीं बनाएंगे तो वो हमको पकड़ के खा जाएगा ना भाई। तो ट्रैप तो बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो फेल हो या पास हो भाई। ओ भाई अच्छा, लेकिन भाई फायदा क्या है, तेरा ट्रैप तो हमेशा फेल ही जाता है, तो बनाने का फायदा क्या है? अबे तू पिटेगा भाई, कम बोल, मैं कह रहा हूँ भाई मैं बहुत ही अच्छा ट्रैप बनाऊंगा, चिंता मत कर यार तू। मैं मतलब जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ना, तू यार मेरी बेइज्जती कर रहा है सब लोगों के सामने। गाइस यार ये देखो कितना बुरा भाई है मेरा, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहा है यार, ऐसे भाई किसी को ना मिले। लेकिन गाइस ये देखो ट्रैप बन चुका है हमारा, बहुत ही खतरनाक वाला। ये देखो भाई क्या ही खतरनाक तरीके से भाई काम कर रहा है। इसके ऊपर जो पैर रखेगा ना, मतलब उसके तो पैर होते हैं क्या? मून भाई, मून के पैर हैं क्या भाई? मून के पैर भाई नहीं है पैर भाई, वो तो ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है जमीन पे। हाँ तो कोई बात नहीं, पैर हो चाहे ना हो या बस वो चलना चाहिए, तो वो चलता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर चलेगा ना, फिर ये होने वाला है भाई, ये देखो ब्लास्ट होने वाला है, भयंकर वाला। सो हम लोगों ने एक ट्रैप कंप्लीट कर लिया है, और दोस्तों बार ये दूसरे ट्रैप को कंप्लीट करने की। सो अब जो हमारा दूसरा ट्रैप होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दूसरे ट्रैप के अंदर हमारे सामने एक स्विमिंग पूल है, और इसके अंदर मैं छोड़ने वाला हूँ ये खतरनाक सी पिराना फिश। और ये पिराना फिश जो पता क्या करेंगी, ये पिराना फिश जो है वो उस खतरनाक से मून को एक ही बार में कच्चा चबा लेंगी। कितना खतरनाक ट्रैप बनाया है भाई। भाई अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि तेरा ट्रैप सक्सेसफुल होगा भाई, जो इतने खतरनाक फिश एंड फायर भाई सब कुछ तो तू कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि तेरा ट्रैप जरूर सक्सेसफुल होगा ब्रो। थैंक्स ब्रो, थैंक्स, तू बहुत ही अच्छा हो गया भाई, है पहले से तू मेरी बहुत तारीफ कर रहा है। ओके तो चलो घर में चलते हैं भाई। देख घर में हम लोग जाएंगे नहीं, एक बात सुन भाई, हमारे घर के पास अगर वो बाय चांस आ भी गया ना यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पर भी एक ट्रैप होना चाहिए। भाई यहाँ पर तू कौन सा ट्रैप बनाने वाला है भाई? यहाँ पर तो कोई भी ट्रैप नहीं बन सकता है, फिर तू कौन सा ट्रैप बनाएगा अभी? यहाँ पे भाई एक ट्रैप बन सकता है जो कि है खतरनाक सा एरो वाला ट्रैप। तो मैंने यहाँ पे देख एरो एंड यहाँ पे एक लीवर लगा दिया है। भाई मुझे लग रहा है कि तू बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है, ये तेरा ट्रैप बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। अबे क्या बात कर रहा है भाई तू, मेरा ट्रैप ही काम करेगा, तू माने मत मान। ये देख मैंने यहाँ पे एरो लगाया भाई, वो जैसे यहाँ पे आएगा ना मून, फिर उसको एरो पड़ने वाले हैं भाई। भाई तेरे छोटे छोटे एरो से उसका क्या ही हो जाएगा यार? हाँ यार ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा ना उसका भाई, मतलब कुछ तो डैमेज उसको आएगा ना, 1% 2%। लेकिन भाई हम लोग एक बात भूल रहे हैं भाई, यहाँ पर रात होने वाली है, सो हम लोगों को जो भी करना है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और अपने घर के अंदर हम लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ भाई ये बात मैं तेरे से कहने वाला था भाई, रात होने वाली है और जो हमको जो भी करना है वो रात होने से पहले करना है, और अगर एक बार रात होगी तो वो मून यहाँ पे आ जाएगा और हमको जान से मार देगा। हाँ भाई तू एकदम ठीक कह रहा है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, उसमें जो तुझे करना है वो जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि लूनार मून अपनी पूरी टोली लेके हम पे अटैक करने आ रहा होगा।
हाँ गाइस, हमारे पास सिर्फ अभी आधा घंटा है और हमें आधे घंटे के अंदर जो भी करना है वो हमें करना पड़ेगा, ताकि वो जो मून है वो हमको ना मार पाए। एंड हमको यहाँ पे करना, एंड गाइस उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको मारने के लिए मैं यहाँ पे अपने अपने घर के अंदर एक ट्रैप बना रहा हूँ। मैं अपने घर के नीचे गाइस बिछाने वाला हूँ बहुत सारे TNT, आप लोग देख सकते हो। एंड TNT को बिछाने के बाद मैं इसको दोबारा ऊपर से करने वाला हूँ कवर, ताकि ये TNT किसी को ना दिखे। एंड इन TNT बिछाने के बाद जैसी जो मून अगर, सो गाइस मैं ये TNT अपने घर के अंदर इसीलिए बिछा रहा हूँ ताकि अगर बाय चांस जो मून है वो हमारे घर के अंदर घुस जाता है तो हम लोग उसको पूरे हाउस के साथ ब्लास्ट कर देंगे। एंड उसमें हमारा घर भी पूरा ब्लास्ट होगा एंड साथ में मून भी ब्लास्ट होगा। और हाँ, हम लोग एक बात तो भूल ही गए ब्रो, वो मून एक नहीं है, 5-5 मून है यार वो। हाँ भाई, वो 5 से भी ज्यादा है, मैंने पिछली बार देखा था। तो हम लोग भाई पता नहीं कि वो सारे के सारे मरेंगे या नहीं। भाई हम लोगों को एक खतरनाक सा ट्रैप बनाना पड़ेगा और ट्रैप तो हमारे सारे बन चुके हैं, बस अब हम लोगों को बस देखना है। हाँ भाई, मैं एक बात तो भूल ही गया था, वहाँ पे 5 लूनार मून है एंड अगर उनमें से एक मर गया तो एक बच जाएगा एंड दूसरा मर गया तो दूसरा बच जाएगा। सो पता नहीं क्या होने वाला। लेकिन यहाँ पे गाइस मैंने एक लीवर लगा दिया है, इस घर को पूरा कनेक्ट कर दिया है। मैंने TNT से इस घर को एक लीवर से कनेक्ट कर दिया है, मतलब जैसे ही इस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तो हम लोग जाके उस लीवर को ऑन कर देंगे एंड फिर इस पूरा घर ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये मेरा ट्रैप था गाइस। सो देखते हैं ये हमारा ट्रैप आज का काम करेगा या फिर नहीं। भाई यहाँ पर पहले ये देख, पूरा टाइम भी हो चुका है और रात भी हो चुकी है और मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में लूनार मून भी आने वाला है। सो तू अब क्या कर रहा है भाई, टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। रुक जा भाई, रुक जा, बस मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, 1-2% मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही। ओके, ये देख भाई, ये देख मैंने कितना खतरनाक डोर बनाया है यहाँ पे भागने के लिए। ओ भाई, ये तो पता भी नहीं लग रहा है वॉल के अंदर। भाई जैसे वो आएगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे जल्दी से। अब भाई वेट करना है बस लूनार मून का। हाँ भाई, अब हमें सिर्फ वेट करना है लूनार मून के ऊपर आने का, क्योंकि वो अभी इस टाइम अपनी सीक्रेट केव के अंदर है एंड जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगेंगी एंड पता नहीं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल वो अभी तो वहाँ बाहर नहीं आया है ना। नहीं भाई, अभी नहीं आया है। और जल्दी से भागते हैं हम लोग घर की तरफ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है अब भाई हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही हैं। सो गाइस, उस टाइम तो मून नहीं आया लेकिन अभी रात हो चुकी है तो मेरे को लगता है वो अभी आने वाला होगा कुछ देर के अंदर। और ये क्या, वो फाइनली आ चुका है गाइस, वो देखो। एंड वहां हमने लगाई थी जो लेजर लाइट लगाई थी ना वहां अपने, एंड वो उसमें घुसा हुआ पड़ा है, वो देखो। और वहां 5 के 5 मून है। ओ भाई, वो सारे के सारे मून देख कितने ज्यादा स्कैरी हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो फायर कारपेट पे मरने वाले हैं क्या, देखते हैं भाई। ओके, तो वो लोग कारपेट के ऊपर आ चुके हैं, प्रेशर प्लेट के ऊपर। एंड ये क्या भाई, ये देखो उनके ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन वेट अ मिनट गाइस, उन लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और अब वो लोग कूद चुके हैं स्विमिंग पूल के अंदर, लेकिन वो फिश भी उन्हें कुछ भी नहीं कर पा रही है भाई। फिश गाइस, हमारे दोनों प्लान फेल हो चुके हैं यार, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और अब ये 5 के 5 मून हमारे घर की तरफ आ रहे हैं भाई, कहीं हमारे घर में ना घुस जाए, मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। घुस किया जाए भी, अब घुसेंगी। अब बस हम लोग को अपना TNT वाला प्लान कोई करना पड़ेगा सक्सेसफुल, क्योंकि अब ये लोग अंदर घुसने वाले हैं। ओ, एरो वाला प्लान भी तो बचा है, और देखते हैं ये लोग अंदर आ पाएंगे कि नहीं। हाँ भाई, अभी एक प्लान बाकी है एरो वाला, देखते हैं एरो से क्या होता है इनको भाई। ओके, ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एरो इनके पड़ रहे हैं तो इन्हें डैमेज भी आ रहा है गाइस, देखो डैमेज आ रहा है इन्हें। और गाइस, अगर ये लोग अंदर हमारे घर के अंदर घुस आए तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान होगा, वो होगा यहाँ से नीचे भागना एंड उस लीवर को दबाना। एंड लीवर को दबाने के बाद इसे पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा और साथ में ये भी ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वेट करते हैं, देखते हैं ये अंदर आते हैं या फिर नहीं। वेट गाइस, ये लोग हंस रहे हैं बहुत तेजी से यार। हाँ भाई, हंस भी रहे हैं और लूनार मून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ तोड़ने वाला है ये। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। ओबे भाई, ये तो TNT से ब्लास्ट ही। हाँ भाई, वो तो ब्लास्ट कर रहा है TNT लगाकर, और पता नहीं वो हमारे घर को ब्लास्ट करने वाला है क्या। ओ, TNT को उसने कर दिया है ओपन। ओके, TNT फट चुका है भाई और वो हमारे घर के अंदर घुस चुका है। सो वो 5 के 5 मून हमारे घर के अंदर घुस चुके हैं भाई। भाई अब हम लोगों को
अपने प्लान को अंजाम देना ही पड़ेगा। सो भागते हैं जल्दी से। गाइज अब टाइम आ चुका है लीवर को ऑन करने का, क्योंकि सारे के सारे लूनार मून घर के अंदर आ चुके हैं और ये बेस्ट टाइम है लीवर को ऑन करने का। लेकिन लीवर कहाँ पे है? ये रहा लीवर गाइज, एंड सारे मून हमारे घर में हैं। तो चलो लीवर को ऑन करते हैं और फिर होने वाला है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला ब्लास्ट। सो चलो लीवर को ऑन करते हैं, 1 2 एंड अभी ये लोग कौन है भाई? अभी ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए? मैंने गाइस लीवर को ऑन कर दिया है एंड यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। वेट करो। ओके यहाँ पे हो चुका है ब्लास्ट। माय गॉड भाई कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ। एंड आई थिंक सारे के सारे मून मर चुके हैं भाई। हाँ भाई, पूरे घर का नामो निशान नहीं बचा है और सारे के सारे भूत भी मर गए हैं। भाई मून, भाई सब कुछ मर गया और यहाँ पर एक भी मून नहीं बचा। इसका मतलब हम लोग जीत गए। ये